सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि थाना मिर्जापुर एवं थाना बिहारी गढ़ पुलिस के द्वारा 4 अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 3 किलो 450 ग्राम चरस बरामद की गई है। एसपी देहात ने बताया कि ये सभी नेपाल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में चरस सप्लाई का कार्य करते थे और सभी पर अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ये लगातार नशा तस्करी का कार्य कर रहे थे। पुलिस काफी दिनों से उनकी तलाश में थी। एसएसपी सहारनपुर के द्वारा इन नशा तस्करों को गिरफ्तार करने वाले दोनों ही थानों की पुलिस को 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जी, कल थाना बिहारीगढ़ और थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एक संयुक्त टीम के द्वारा 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो नशे के तस्करी का काम करते थे। यह जो इसमें सरगना है जिसका नाम सलीम है, ये पूर्व में भी इसने पूछताछ में बताया कि कई बार नेपाल बिहार के रास्ते यूपी में जो एंटर करके और माल जो है चरस, अवैध चरस जो है लाकर और उसे मिर्जापुर के आसपास के एरिया में, उत्तराखंड में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के बाकी जनपदों में भी ये बेचते थे। ये एक बड़ी मात्रा में वहां से 70-60 किलो के आसपास एक बार में खेप लेकर आते थे और यहाँ पर छोटे छोटे मात्रा में यहाँ पर बाकी लोगों को बेचते थे, जो कि अपने अपने एरिया में फिर उसे बेचते थे। तो ये एक मुख्य सरगना है सलीम, और इसके साथ जो 3 व्यक्ति हैं जो इसके साथ पूर्व में भी ये काम में नेपाल में भी जा चुके हैं, आसपास माल भी उन्होंने लिया है, इसमें से मेन एक आदमी है रसालू जो इसके साथ पूर्व में एक बार गया हुआ था, और नवाब और लियाकत। ये 4 लोग हमने कल पकड़े हैं। इनके कब्जे से कल 3 किलो 450 ग्राम अवैध चरस भी बरामद हुई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।